हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 500 करोड़ की लागत से बनने वाले पीजीआई सेंटर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी शंखनाद की रैली में जुटी कम भीड़ पर तंज कसते हुए खाली कुर्सियों को समेटे जाने का दावा किया। उन्होंने राहुल गांधी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की प्रदेश में हुई रैलियों में आई भीड़ की तुलना करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस स्थान पर रैली कर रही है, भाजपा कुछ ही दिन पहले इस स्थान पर रैली कर चुकी है, जिसमें लोगों के खड़े होने की जगह तक नहीं थी, लेकिन आज कांग्रेस ने 10,000 कुर्सियां लगाई हैं और वो भी भर नहीं पाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज उस मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े होने की आवश्यकता है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के समय सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक के समय एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कुछ नेता सबूत मांग रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ने कहा कि विपक्ष के इन बयानों को ही पाकिस्तान मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। आज अपने राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं तो किसी और नाम से ज्यादा पॉपुलर हो गए। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। उनके जब मैं भाषण देने के मौका था भारत की शिविर पर मैं वहां से फोटो भेजा है। अब कुर्सिया नीचे जो है वो समेटने की तैयारी कर रही है। कुर्सिया ज्यादा लगा रहे हैं, मैंने कहा कितनी लगा रहा है तो माफ करना, तो 10,000 है लेकिन अभी 2,000 तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी हो रहा गलती कर ली, गलती कर ली उस जगह को क्यों लिया जहां अभी कुछ दिन पहले गणपति जी का कार्यक्रम हुआ था। जब हम वहां उस कार्यक्रम में थे कुर्सी तो कुर्सी आदमी को खड़े होने की जगह जिस दौर से देश का गुजर रहा है आज सारी बातें एक तरफा सारी पार्टी की बातें थोड़ी जल्दी एक तरफा हर देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज उस मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े होने की आवश्यकता है जिस मजबूत नेतृत्व ने पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता उस भाषा में जवाब दिया है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता थी सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित होने का दावा किया। नड्डा ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकारों के कार्यकाल में देश के बेहतर विकास की बात करते हुए केंद्र की पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 6 तो मौजूदा मोदी सरकार द्वारा 16 एम्स खोले जाने का दावा किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो कार्य हिमाचल प्रदेश में या सारे देश में हुए हैं उसको हमको समझना चाहिए। 1960 में पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया था दिल्ली में। अटल जी ने 6 मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और मोदी जी ने 4 साल में 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले हैं भारत की तस्वीर बदलने के लिए। और आपके साथ पीजीआई का सेंटर आज यहां पर एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। यह है बदलती तस्वीर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।